वंदे गुरु परम्परा महाराज की जय। श्री आचार्य चरण जयंती महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय पूज्यपाद और हमारे ब्रज मंडल के ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र के एक ऐसी विभूति जिनके नाम से अवगत हैं, जिनके पावन सान्निध्य में यह सुदामा कुटी संत सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा अतीत से एक निरंतर संलग्न है अपनी अपनी तत्तमयी सेवाओं में। वर्तमान में मेरे पार्श्वभाग में यहां नीचे श्री नाभापीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य श्री महंत जी महाराज, श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, जिनके द्वारा अनवरत रूप से अविच्छिन्न इस पावन, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि व्रज का मानो एक तीर्थ बन गया सुदामा कुटी। कितनी सेवाएं यहां से, साधु सेवा, गौ सेवा निरंतर चल रही है। धन्य है हम सभी यहां पर प्रतिवर्ष आचार्य जयंती महोत्सव मनाते हैं, संवित रूप से उपस्थित होते हैं। और दास को भी सौभाग्य मिलता है, जब दास श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित रहता है तो पूज्य श्री के आग्रह को कैसे साहस नहीं होता। और मेरा सौभाग्य होता है कि अपनी भावांजलि, शब्दांजलि, वाक पुष्पांजलि उन प्रतस्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जो स्वयं श्री राम के ही अवतार हैं, प्रस्तुत हो जाए। मेरे मन में तो एक भाव आता है, जो आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं श्री राम, मानो वो श्री राम ही आनंद स्वरूप ही आचार्य के चरणों, आचार्य के स्वरूप में श्री रामानंद के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। वो आनंद घन ही मूर्तिमान होकर, वो आनंद घन ही मूर्तिमान होकर श्री रामानंद के रूप में जगत के कल्याण के लिए हम सब के बीच इस धरा पर अवतरित हुए। अवतार, अभी अभी सुन रहे थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के संस्थापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए स्वयं परमात्मा भगवान ही अवतार लेते हैं। बैठे बैठे मन में भाव आ गया, किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु श्री राम से ही पूछ लिया, भगवान
थक गए। आपको पाने के लिए, आपके साक्षात्कार के लिए, आपकी कृपा के भाजक बनने के लिए हम तो थक गए। आपका नाम लेते, आपके रूप का चिंतन मनन करते, भजन साधन करते थक गए। ये जो अवतार शब्द है ना, अवतरणिका से बना है अवतार शब्द, और अवतरणिका कहते हैं नसेनी को, सीढ़ी को। आप सब लोग अवगत हैं सीढ़ी से, आपने सीढ़ी को देखा है, नसेनी को देखा है। सीढ़ी का काम क्या है? ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, दूसरी मंजिल पर पहुंचना। ये किसके सहारे? सीढ़ी के सहारे। लेकिन आपने नसेनी को देखा होगा, नसेनी में दो लंबे बांस होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे बांस। मानो ये दो लंबे बांस क्या हैं? ये समझना होगा। मानो इस नसेनी के दो लंबे बांस हैं, एक है भगवान का नाम और एक है भगवान का रूप। हम साधक, हम संसारी, हम क्या करते हैं? बोले भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा के भाजक बनने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, भगवान के रूप का चिंतन करते हैं। और एक एक पायदान पर नसेनी में जैसे आठ बांस होते हैं छोटे छोटे, ये आठ बांस क्या हैं? बोले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम का पालन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, इस विधि के द्वारा ठाकुर जी के पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो किसी आप जैसे भक्त ने रघुनाथ जी से पूछ लिया, बोले प्रभु ये नसेनी का काम केवल चढ़ना ही है क्या? भगवान बोले नहीं नहीं, चढ़ना भी है और उतरना भी है। तो आप जैसे किसी प्रेमी ने कह दिया श्री रघुनाथ जी को, बोले प्रभु जैसे नसेनी का काम चढ़ना भी है और उसको उतारना भी है, तो हम तो आपका नाम लेते, आपके रूप का चिंतन करते करते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में पहुंचते पहुंचते थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए। अब आप ही एक काम कीजिए ना, आप ही हमारा नाम लेकर, हमारे रूप का चिंतन करके ऊपर से हमारे लिए आ जाइए। इसी का नाम है अवतार, इसी का नाम है अवतार। मानो स्वयं परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार ही हम सब पर कृपा करने के लिए ऊपर से नीचे उतर करके आते हैं रामानंद के रूप में। जिन जगत गुरु अनंत श्री विभूषित पूज्य पाठ का हम जयंती महोत्सव मना रहे हैं, माघ कृष्णा सप्तमी प्रयागराज, माघ कृष्णा सप्तमी प्रयागराज में जिनका अवतार हुआ। मानो मैं तो कहता हूं कि भक्ति के क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन किया जो भक्ति का प्रकट हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, द्राविण भक्ति उपजी और उत्तर लाए रामानंद। जिस भक्ति का प्राकट्य हुआ उत्पन्ना द्रविणे साहम, उस द्रविण से दक्षिण से उत्तर में लाने का जो सौभाग्य मिला और हम सब पर जो कृपा हुई, वो केवल और केवल मात्र जगत गुरु श्री आचार्य चरण के द्वारा हुई, जिस भक्ति के साम्राज्य में हम आनंद ले रहे हैं। दूसरी बात, एक ऐसी क्रांति की इस जगत में जगत गुरु जी ने किसको स्वीकार नहीं किया? जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे भजे सो हरि को हुई। कबीर को भी अपनाया, रैदास को भी अपनाया। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात आती है ना, किरात हूणंद्र पुलिंद पुलकसा आभीर गंगा यमुना खसा दयो। भगवान किसी की जाति पाति को नहीं देखते, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। मानो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबको गले लगाया, सबको स्वीकार किया और सबके हृदय में भक्ति को आंदोलित किया, भक्ति के बीज को अंकुरित किया। श्री राम ही तो रामानंद के रूप में आए, और हमारे रामानंद संप्रदाय हो, श्री रामानुज संप्रदाय हो, चाहे रामानंद हो,
मंत्र युगल, माला युगल और युगल इष्ट की आस। हमारे ब्राह्मण संप्रदाय में युगल मंत्र है, युगल ही माला है और युगल ही इष्ट है। ऊर्ध्व पुंड जिनके लसे ते रामानुज दास। रामानंद संप्रदाय वहीं से तो है, कोई अलग नहीं है। अस्तु, बहुत कुछ कहने को है, मैं तो यही कहूंगा कि हम सबका यह सौभाग्य है कि आचार्य चरण की ऐसी जयंती महोत्सव हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और हमारे यहाँ तो भगवान से भी अधिक आचार्य का समाराधन है, आचार्य की पूजा है, उनकी आराधना है। मैं ऐसे जगत गुरु जी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सभी संत वृंदों को प्रणमन करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।